हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। बहुत दिन से मुंब्रा कौसा में आम जनता मांग कर रही है मुंब्रा से बसें चलाए जाएं और बस स्टॉप की भी मांग कर रही है। परिवहन सदस्य समीम खान ने शहर से व पत्रकारों को पिछले दिनों कहा था, हम बस डिपो की मांग किए हैं और मुंब्रा शहर में बस डिपो कब आएगी उसका इंतजार है। आज दोपहर 1 बजे के करीब रेती बंदर सर्कल के पास पिछले 1 साल से बनकर तैयार जिम और कुछ कुर्सियां रखी गई, लेकिन अब उसे बस स्टॉप बना दिया गया है। आज उसका उद्घाटन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड के हाथों से किया गया। साथ ही साथ परिवहन सदस्य समीम खान की कोशिशों से मुंब्रा से 4 बस चलेंगी, जिसका भी उद्घाटन मंत्री जितेंद्र हवाड के हाथों किया गया। इस मौके पर सैयद अली भाई साहब, परिवहन समिति के चेयरमैन समीम खान जो सदस्य है, और सानू पठान, राजन किने, बबलू सेमना व तमाम नगर सेवक व पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र हवाड ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और जितना हो सके वो परिवहन के माध्यम से मुंब्रा के लोगों की, थाना के लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। साथ में सब परिवहन के सदस्य और चेयरमैन भी है। इन सब लोगों का काम ही है कि आने जाने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, परवटने वाली होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बहुत लोगों को, बिना हमें जानकारी दिए हुए रेलवे ने हमारी जगह ली है। अच्छा, गोसावी साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया है, जल्दी वो हमको जगह अपने काबे में ले लेंगे। प्रतिनिधि अच्छा है, जो जूने थे उन्होंने भी काम किया था, ऐसा कभी काम की तुलना नहीं की। ठीक सर, एक मिनट। जैसे आदरणीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि मुंब्रा से जो आवाम के लिए सेवा होनी चाहिए बस की, तो हम लोग अभी उनके मार्गदर्शन के और आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन के हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो रेलवे की दिक्कत है डिपो के लिए, तो यहाँ के जो सांसद है और आदरणीय पालक मंत्री और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवार साहब, ये बैठ के तय करेंगे और DRM साहब से ये जगह ले लेंगे ताकि आवाम को सुविधा हो जाए। बहरहाल आपने सुना और समीम खान ने इस मौके पर क्या कहा है वो भी सुनिए। आज 7 तारीख है, 8 तारीख है, सात और आठ को जन्मदिन होता है, पैदाइश के मौके पे हम दोनों की चाहती थी कुछ ऐसा खिदमत खत करें जो आवाम के लिए एक ऐसा सराहनीय काम बने कि वो लोग सराहना करें इस काम की, जिसकी आपको जरूरत। मंडी और मुंब्रा का भाई बहन का रिश्ता, मीरा रोड का और मुंब्रा का भाई बहन का रिश्ता, डोंबिवली दिवा का मुंब्रा का भाई बहन का रिश्ता, मुंबई का भाई बहन का रिश्ता, कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हो रहा था कि मुंब्रा से ये बसें चलाई जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे चेयरमैन साहब को और खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाद साहब को और चीफ मिनिस्टर, जिनकी प्रयासों से, जिनके सपोर्ट से आज उनका एक सपना भी था कि मुंब्रा कौथा से ऐसी बसें चलाई जाए। तो हम उनके एक सिपाही हैं जो हम परिवहन में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं और आज जो ये काम हुआ है उस काम के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों के पैदाइश के मौके पे एक सराहनीय काम इस तरीके से हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उसी का जब भी उसे हमने मुंब्रा कौसा की समस्याओं को उनके सामने रखा है, उन्होंने हमेशा मुंब्रा कौसा से प्यार किया। चेयरमैन है तो भी कल आनंद दीघे साहब के साथ जब से वो रह चुके हैं हमारे, तो सामने वो पिताजी की उम्र के हैं,
लेकिन इस उम्र में भी जो काम करते हैं वो सराहनीय काम है। हम लोग मेरे सामने मौजूद है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके सामने, उनसे मांग भी करता हूँ कि सर मुझे अपने वोल्वो बस देने की मुंबई के लिए, सर मेरी विनती को आपने सुना है, आपने 15 डेज के अंदर सर देने के लिए भी कहा है, मैं आपके सामने सर से मांग करता हूँ कि मुंबरा कौधा से एसी बस चलाई जाए मुंबई के लिए, जो सर ने हमें वादा किया है। और आज जन्मदिन मनाने का तरीका सिर्फ पटाखा फोड़ करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका वो होर्डिंग लगा करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका बुके लेकर के नहीं होता, जन्मदिन का तरीका वो है जो आज मैंने और शानू पठान ने, हम लोगों ने ये सोच करके ये तय किया कि गरीबों की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए जितना अच्छा हो सके उतना काम करें। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफी, मैं अभी मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे इन तमाम साथियों को, हम लोगों के जो साथी हैं, मैं उन तमाम साथियों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उन सिपाहियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज पूरे मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि एम गेट के अंदर भी आप देखेंगे तो ब्लैंकेट का, राशन का, कैम का, आधार कार्ड का, मुमरा कौसा में हर गली गली के अंदर उन्होंने इसका आयोजन किया है, गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कल रात में 12 बजे जाकर के सर हम लोगों ने गरीबों की बस्तियों में जाकर के सर हम लोगों ने फुटपाथ के ऊपर जो लोग सोए हुए हैं जाकर के हमने, शानू भाई ने और हमारे तमाम साथियों ने जाके उन्हें कंबल तो उड़ाया जो ठंडे में लोग परेशान हैं, और हमारे परिवहन के साथी बालाजी काकरे साहब, प्रकाश पाटिल जी, मोहसिन शेख और तमाम हमारे 12 साथी, हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने परिवहन समिति को जितना बेहतर हो सके उतना फायदा पहुंचाएंगे और परिवहन समिति से माध्यम से आवाम को फायदा पहुंचाने का इंशाल्लाह ताला डॉक्टर जितेंद्र वास साहब के नेतृत्व में पूरा काम किया जाएगा। मीरा रोड रुमवली मुंबई सभी रूट पे चलाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में जब कमर की हमारे लिए फकर की बातें, आज जो परिवहन का जो खाका परिवहन से हम कई चीज़ों में पिछड़े हुए थे, लेकिन हमारे शनी भाई आने के बाद वो जो हमारा पिछड़ा पर है आज बराबरी में आ रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पे परिवहन के माननीय जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में जो हम दोनों ने हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमेशा के लिए कटआउट बर्थडे केक और ये सभी चीज़ों को परहेज किया है, और हम ये चाहते हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे पार्टी के लोग जो हमारे पैसों को जो ऐसा करते कोई पैसा लोगों की भलाई में खर्च किया जाएगा। मेडिकल कैंप लगाए गए, आधार कार्ड कैंप लगाए गए, राशन किट बांटे जा रही, सैनिटाइजर और मास्क की सेफ्टी किट बनाई गई है, तो पूरे शहर में कल रात 12 बजे से शुरू हुआ है, 8 तारीख की रात 12 बजे से अलग अलग जगहों पर लोगों की भलाई के कैंप लगाए गए। इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है, हमारे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने मुमरा कौसा के शहर में लोगों की भलाई के लिए ऐसी अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए। एक बंदर साहब रेती बंदर सर्कल पे अगर आप देखते रहेंगे तो वहाँ पे एक मंडप लगा हुआ था जिसमें धूप से और पानी से बहुत लोगों को समस्याएं होती थी। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे मुकामी नगर सेवक राजन किनी जी को, हमारी भाभी अनिता किनी जी को, वहाँ पे उन्होंने मंडप लगा दिया था। लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से उसकी विनती किया, चेयरमैन साहब ने उसका परमिशन दिया कि हाँ वहाँ पे उसकी जरूरत है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वास साहब के निधि से, एमएलए निधि से वहाँ पे एक जिम बनाया गया था। उस जिम को ही हमने बात करके, चेयरमैन साहब से बात करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वास साहब से, उस जिम को हम लोगों ने बस स्टॉप बना दिया और इतना खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बस स्टॉप कि शायद पूरे भारत से कहीं ऐसा नहीं होगा कि बस स्टॉप भी होगा, बैठने का चेयर भी होगा और हम जाएंगे जाके जिम करते हुए बस बैठ के सीधा निकल जाएंगे। ऐसी फैसिलिटीज देने का पूरा काम हमारे चेयरमैन साहब, और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वास साहब को, इतना सराहनीय काम हुआ।